सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और ये जो अभी आप ड्रोन शॉट्स देख रहे थे, ये थे मेरे अभी लास्ट राइड जो सेंटर ट्रिप जो मैं गया था जिम कॉर्बेट, और वहाँ पे रुका था कबीला रिजॉर्ट्स में। सो रिजॉर्ट कैसा था उसका एक रिव्यू मैं वीडियो बनाऊंगा जो शायद इस वीडियो के बाद में आएगा, तो उसकी डिटेल सब कुछ मैं उसमें बताऊंगा। ये वीडियो है जो एक बहुत भारी प्राइस मेरे को पे करना पड़ा, या कह सकते हो कि जो बहुत भारी एक नुकसान मेरे को हुआ छोटी सी एक गलती से, जो मेरे को पता था कि वो हो सकती है, बस मैंने इग्नोर किया। या समझ लो कभी कभी वो मोमेंट होता है ना कि आपको लगने लगता है कि आप ज़्यादा चौधरी हो गए हो, या आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, या आप बहुत ज़्यादा आप कर देते हो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलती। तो ये मेरी प्योर एक ओवर कॉन्फिडेंस में एक गलती थी जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, बस हो गई। वो कहते हैं ना कि हर समय कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। सो ये एक ये मेरे लिए भी सीख था कि जब तेरे को पता है कि कोई, जैसे मेरे को अपने लिए होता है कि जब तेरे को पता था कि ऐसा कुछ गलत हो सकता है तो तूने क्यों किया। पर कभी कभी एक बैलेंस होता है रिस्क लेना और कितना रिस्क लेना उसमें। पर स्टिल एनीवे, सो नुकसान ये हुआ कि भैया ये देखो क्या हुआ। भड़ाम, मतलब मैं तो एकदम से ना, मतलब इतने शॉक में आ गया था, आप यकीन नहीं मानोगे इतने शॉक में आ गया था कि ये क्या हुआ। पर क्या हुआ कि एक बार पहले भी मेरा ऐसे टकरा गया था, जब आपने मेरी अप नॉर्थ एक्सट्रीम अप नॉर्थ वाली सीरीज देखी होगी, जब प्रशांत में पीछे से जाके टकरा गया था, तब भी क्या हुआ था, उसका ब्लेड टूट गया था। तो जब वो गिरा तो मेरे को एक बार को लगा कि यार चलो फिर से ब्लेड शायद टूट गया होगा, तो मैं ब्लेड तो लेके गया था जो ऊपर वाले हैं तो चेंज कर दूंगा, पर मेरे को लगा ऐसे नहीं करना चाहिए था, व्हाटएवर, ठीक है। पर फिर जब मैंने उसको उठाया तो मैंने देखा कि ब्लेड तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा यार तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ भी नहीं टूटा। फिर मैंने देखा, और जब मैंने देखा तो मेरा तो दिल मतलब बैठ गया एकदम से, मतलब कि मैंने कहा, मतलब वो होता है ना कि मतलब आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो कि ये क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने। सो बेसिकली कौन सा वाला है, हाँ ये वाला। सो बेसिकली इसका जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये जो पार्ट है ये इस अपने इससे फोकस करना, इससे ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये यहाँ से टूट गया, ये पीस अलग हो गया ऐसे। मतलब ये मोटर का जो पार्ट है, मतलब समझो ये ही टूट गया, वो ऐसे झूल गया। मेरे पास एक फ़ोटो है जो मैंने उस टाइम पे खींची थी, मैं वीडियो नहीं बनाया, बाद में सोचा कि मैं इन चीज़ों का मतलब वीडियो बना लेता, पर वो था ना आप इतने शॉक में थे तब मेरे को वीडियो कुछ नहीं सोचा, मेरे को लगा कि ये क्या हो गया, मैं मतलब क्या हो गया, बस थोड़ी देर ब्लैंक था मैं, और उसको बस ऐसे ऐसे से कर रहा था, मैंने कहा क्या हो गया। पर 70,000 रुपये का, मतलब वो होता ना एकदम से दिमाग में आया, 70,000 का तूने ये लिया था और ये टूट गया। और ये क्या है कि इंडिया में ये लॉन्च भी नहीं हुआ है DJI, सो इसका कोई यहाँ पे वारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है। तो मेरे दिमाग में आ गया वापस अमेरिका भेजना पड़ेगा जहाँ से मैंने मंगवाया था, वहाँ से कब जाएगा, कौन लेके जाएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, ये पार्ट तो यहाँ मिलेगा नहीं, इम्पोर्ट करूँगा कौन, और कर भी लिया तो यहाँ पे चेंज कौन करेगा, यू नो ऑल दैट थिंग दिमाग में चलने लगी सब कुछ। फिर मेरे को लगने लगा कि यार अभी राइड पे भी सोच रहा हूँ कहीं जाने की, और इसके बिना तो मतलब ये होता ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप भी बहुत लोग पसंद करते हो मेरे ड्रोन शॉट्स को, तो मेरे को लगा ये सब ख़त्म। पर देन मेरे दिमाग की बत्ती चली, मैंने कहा कि यार एक चीज़ है जो हर चीज़ का इलाज करती है ऐसी चीज़ों का, मैंने कहा जब कुछ नहीं तो चलो उसको ट्राई किया जाए एक बार। फिर मैं गया वहाँ पे कॉर्बेट में, मैं रिजॉर्ट में था तो वहाँ से मार्केट बहुत दूर था, कोई था नहीं, वहाँ जंगल में ही रिजॉर्ट था। मैंने कहा चलो पूछता हूँ, मैंने कहा भैया कहीं शॉप है, उन्होंने कहा ऐसे सामान लेने का, तो उसने बोला कि हाँ वहाँ पैदल चले जाओ ऊपर है। तो एक लंबी सी वॉक करके गया मैं ऊपर, वहाँ पे मैंने बोला भैया फेविक्विक है, उसने बोला हाँ है, मैंने कहा भैया दो दे दो। तो मैंने वो दो फेविक्विक ली, मैं घर आया, वापस रिजॉर्ट में आया, रूम में आया, आराम से बैठा तसल्ली से, और इसको जोड़ना स्टार्ट किया, और फिर मैंने इसमें फेविक्विक लगाई और इसको ऐसे प्रेस करके, काफ़ी देर प्रेस करके मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा मैं इसको नहीं सोच रहा हूँ इसके बारे में, शाम को एक दो घंटे बाद देखूँगा। जोड़ के मैंने रख दिया, फिर एक दो घंटे बाद आया, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, छुआ, मैंने कहा फिट हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने इसको ऐसे करके उठा के भी देखा उस जॉइंट से,
तो मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ ठीक सा लग गया है, पर मेरे को पता था कि मोटर जब चलती है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है ना, बहुत तेज़ी से चलती है, तो मेरे को लगा जब वो चलेगी तो शायद तब टूट जाए और ऐसा ना हो कि उड़ते उड़ते आसमान में टूट जाए और फिर पता नहीं कहाँ चला जाए। अब इसका एक ही इलाज है, मतलब इसको पता करना कि सही से होगा नहीं होगा, वो एक ही है कि उड़ा के देखो। तो खुड़क थी पहले लगा कि घर जाके उधर करूँगा, मैंने कहा नहीं यहीं करूँगा, फिर मैंने इसको लगाया और मैंने कहा चलो उड़ा के देखते हैं, और फिर ये हुआ। भाई साहब उड़ चले, और पहले मैंने इसको काफ़ी देर नीचे तक ही उड़ाया, और क्योंकि मेरे को लगा अगर टूट जाएगा तो वहीं पे ही गिरेगा, जो भी होगा ऊपर नहीं लेके जाता हूँ, तो काफ़ी देर मैंने इसको नीचे ही होवर किया उधर इधर इधर, तो सब ठीक था। फिर हिम्मत जुटाई, फिर मैं इसको ऊपर लेके गया और फिर वो सब कुछ ओके था, फिर कुछ वीडियो बनाई और फिर उसको वापस नीचे ले आया। तो 70,000 का नुकसान ऑलमोस्ट मेरा हो गया था, 5 रुपये ने उसका इलाज कर दिया। सो जान में जान आई, ये जो मुस्कुराहट है आप देख रहे हो ये इसी वजह से आई, पर मेरे को अभी भी रिस्क है कि ये चिपका हुआ है, ये मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन इसका वो जो आम है वो कैसे अलग से पार्ट मिलता है, नहीं मिलता, उसको ऑर्डर करूँ, कब तक आएगा, पर एटलीस्ट आई नो कि अभी मेरे पास है। मैं भले इसको बहुत ऊपर ना लेके जाऊँ, पर एटलीस्ट कुछ अच्छे शॉट्स अगर कहीं गया तो ले पाऊँगा। सो यही एक अपडेट था मेरे को जो आपको बताना था, कि भैया नुकसान तो कैड़ा होने वाला था पर बच गया 5 रुपये के इलाज से। सो ये एक छोटी सी चीज़ थी, आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आप ड्रोन उड़ाते हो और ऐसा कुछ टूट जाए तो आप ऐसे इसको जोड़ सकते हो, पर स्टिल ये एक जुगाड़ वाला काम है, और जब भी मौका मिले, टाइम मिले या रिसोर्स मिले या कहीं से भी, तो अगर उसको चेंज करा सकते हो तो करा लेना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर लेट्स सी कब कराता हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। एक छोटा सा एक पार्ट था पिछले एक ट्रिप का जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, और मेरे को लगा आपसे शेयर करूँ। ठीक है, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी और इसके बारे में, जब ये टूट गया था, ट्रेजेडी स्ट्राइक्स, सही में ट्रेजेडी हो गई थी भाई। चलो एनीवे, टेक केयर, बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।